Hello friends, I'm Siddharth Singh and today we're going to discuss advantage and disadvantage of Reliance Jio network जो Reliance वालों ने अभी लॉन्च किया है. तो Reliance Jio है क्या वो मैं आपको बता दूँ. ये एक नया 4G का नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल फ्री कर देंगे. आउटगोइंग कॉल फ्री करना इम्पॉसिबल है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम मुकेश अंबानी ने किया है. तो जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में एक हाहाकार सी मच गई है कि आखिर कोई कैसे आउटगोइंग कॉल फ्री कर सकता है. तो इस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये क्राइम बढ़ा सकता है या घटा सकता है और किस तरीके से कॉमन मैन को ये हेल्पफुल होगा. जैसे कि मेरा फ़ोन का बिल आ जाता है 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ का रहता है, तो वो आउटगोइंग कॉल के कारण होता है. तो वो भी क्या कहते हैं बेनिफिशियल है किस तरीके से लोगों के लिए. और इन्होंने कहा है दिसंबर तक नेट फ्री कर देंगे. नेट फ्री है प्रेजेंट टाइम, अगर आप सिम लेने जाते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर आप उस पर नेट चलाते हैं तो वो भी फ्री है. और स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है इनकी, 2 Mbps मैक्सिमम जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी है. लैंडलाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं BSNL का, जिसकी स्पीड ऑन पेपर 2 Mbps लिखी हुई है बट वो नहीं जाती है. तो आप कंपेयर अगर बाकी नेटवर्क से करेंगे तो ये नेटवर्क काफ़ी बेटर है क्योंकि ये कम्प्लीटली 4G पे है. तो इसके सिलसिले में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्री शेष कुमार सिंह जी से कि इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो सर, ये जो रिलायंस जियो नया नेटवर्क जो आया है, तो इसमें जैसे ये फ्री कर रहे हैं आउटगोइंग कॉल, इन्होंने फ्री कर दी है, तो आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के पास? ऐसे तो बेनिफिट ये है कि जब कोई चार्ज ही नहीं है जी, फ्री आप चार्ज है, तो इससे बेहतर और कोई बेनिफिट हो नहीं सकता. मंथली सेविंग है जी. आम आदमी ये समझ लीजिए, जैसे हिंदुस्तान में श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई जी, तो अब असली डिजिटल क्रांति भी हो गई देश में जी, अगर जी. ये सक्सेस होता है प्लान तो जी 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 हाँ, चलिए सक्सेस होता है तो. लेकिन इंडिया का जो मोदी जी का प्लान है जी, वास्तव में इसी से सक्सेस होगा जी जी. ये जब टीवी पर समाचार में ये सब जब मैंने पढ़ा जी, तो मुझको लगा कि अब वाकई में क्रांति होने वाली है. नहीं, और मैं इससे बड़ा प्रभावित हूँ. लेकिन खास सावधानी बरतने की जरूरत यह है जी, कि वाईफाई भी दे रहे हैं जी. अगर वाईफाई किसी को दे दी जाए और 10 लोग कनेक्टेड उस पर उसका प्रयोग करें जी, तो पासवर्ड चोरी होने के चांसेस बहुत है. जी जी, ये तो है, हैकर्स थोड़े से क्या कहते हैं आप तो ये हैक कर सकते हैं नेटवर्क को. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, आपको तो ज्यादा ही पता होगा जी. मैं तो ऐसे स्टेशनरी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जानकारी नहीं, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये क्राइम को बढ़ाएगा, ये क्राइम को घटा सकता है, ये थोड़ा सा आपसे डिस्कशन. क्राइम तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन सावधानी से कोई भी क्राइम रोकी जा सकती है पूरी तरह से. अगर आप जितना जिस स्तर तक आप सावधान रहेंगे जी, अपराध को उसी स्तर तक रोका जा सकता है जी. नहीं, क्योंकि जैसे अभी तक क्या था, चार्जेबल कॉल थी तो भी लड़कियों के पास लोग कॉल कर देते थे और उनको तंग करते थे, या फिर किसी भी अननोन नंबर से कॉल कर देते हैं लोग. और अगर मान लीजिए किसी चीज जब अनपढ़ लोगों के पास पहुंच जाएगी, जब आम आदमी के पास पहुंच जाएगी जिनको सही सही चीजों का ज्ञान नहीं है जी, तो बंदर के हाथ पे अगर बंदूक दे दी जाएगी तो वो किसी को भी दाग सकता है जी. जी ये प्रॉब्लम आ सकती है जी. ये मेरा कहना है, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप तो इसको वही प्रकार जानते होंगे. लेकिन अगर ऐसी गलती करता है कोई, पासवर्ड अभी देखिए बैंकों में तमाम जालसाजी हो रही है, लोग फोन नंबर पूछ ले, वो आपका अकाउंट नंबर पूछ ले रहे हैं. और आए दिन कचहरी में जाता हूँ, दिन भर में 10-5 लोग आके बता जाते हैं साहब हमसे जो है ये अकाउंट नंबर पूछा गया जी. बैंक से पूछ रहा था कि, और आदमी सरलता में बता भी देता है जी, जो अनजान आदमी है उसके साथ ऐसे है ही कि ऐसे अपराध हो जाते हैं सामान्य जो साधारण और सरलता का लोग फायदा उठाते हैं जी. ऐसे जब इतनी क्रांति हो जाएगी तो उसमें भी बेईमानी बदमाशी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर किसी का पासवर्ड छिन गया तो उसका दुरुपयोग हो सकता है मेरे समझ से जी. अच्छा सर, जैसे कि क्या कहते हैं स्पीड ये बहुत अच्छी दे रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं यूज़ करता हूँ BSNL का डेटा, तो वो भी इतना क्या कहते हैं अच्छी स्पीड नहीं दे रहा है. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जैसे क्राइम होता है, अगर कोई IT सेक्टर में कोई क्राइम करता है ना, वो एक सिम लेता है फर्जी एड्रेस पे, 5G ID पे, और वो यूज़ कर लेता है उसका डेटा, तो इसको किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है? या अगर मान लीजिए किसी के से बचने के लिए जो भीड़
इकट्ठा हो रही है रिलायंस कंपनी के सामने जी, उसी को रोकने के लिए थंब इम्प्रेशन लेते हैं और उसको जो है उसका सारा बायोडाटा उसी से आधार कार्ड से मिला के दे रहे हैं। अच्छा, इनके तो सावधानी बरत रहे हैं इसलिए ऐसे कोई अपराध होने के चांसेस नहीं। हाँ, बहुत मिनिमम है, मिनिमम है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, जो कि काफी साफ सुथरा आदमी है, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसकी आईडी पे किसी ने सिम ले लिया और डेटा उसका यूज करके उसने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया जो कि काफी बड़ा क्राइम हो गया, तो किस तरीके से मिस्टर ए बच सकते हैं इस क्राइम से, मतलब अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं कि उनकी आईडी के लिए ये एक्ट ही अलग है जी, है ना जी, वो हम लोग अभी तक उसका प्रयोग किए नहीं है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो हाई लेवल की थोड़ी सी नहीं, वो अलग ही एक्ट ही है इसका, इसका जो डिजिटल क्राइम जो हो रहा है जी, इसके लिए एक्ट भी अलग है। और ऐसे केसेज अभी तक हमारे स्तर पे तो आते नहीं है कि जिसकी हमको कुछ खास जानकारी हो जी, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि अगर ऐसी क्रांति हुई और ये सक्सेस रही योजना जी, तो ये आम आदमी तक पहुँचेगा। आम आदमी को फोटो देखने की शौक है जी, तो वो नेट का इस्तेमाल करेगा जी, वाईफाई छोटी सी टिकिया के रूप में दी जा रही है जी, और जिस पर 10-10 लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे जी, तो इसमें अपराध बढ़ सकते हैं, अपराध बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सर, वैसे ही नेट का तमाम दुरुपयोग हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अवेयरनेस फैलेगी हर जगह, हर आदमी नेट के बारे में फैलेगी तो अवेयरनेस तो होगी, डिसएडवांटेज तो है हर जगह है। अगर आपके पास 100 मेरिट है जी, 99 मेरिट है, तो एक भी मेरिट से कोई अछूता नहीं है जी, उसको सबको फेस करना, तो इसको हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए और इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए जी जी। अभी तक तो उसका फायदा ही फायदा दिखाई पड़ता है जी, अभी उसकी डिमेरिट की चर्चा करना नहीं, लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन फ्री, अगर क्या कहते हैं आपके पास नेट है, अगर फ्री अवेलेबल है, आप क्या कहते हैं किसी डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, आप जैसे एडवोकेट अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिनसे डिस्कशन कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं। डिजिटल इंडिया इसका तो फायदा है ही है जी। अब तो दवा भी लोग खाते हैं तो नेट पे पहले देख लेते हैं कि डॉक्टर ने सही लिखा कि गलत लिखा है, मर्ज बढ़ाने के लिए लिखा है कि ठीक करने के लिए लिखा जी जी। जहाँ इतनी क्रांति आई है जी, डिजिटल इंडिया का इतना लाभ लोगों को मिला, नेट से आज क्या नहीं जान सकते हैं जी, तो सारा पढ़ा लिखा और अनपढ़ लेकर हर आदमी नेट पे जाके सब कुछ सीखना चाहता है जी, है ना जी। तो एक छोटी सी, अब तो कंप्यूटर, अब लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर जो चीज़ हम कंप्यूटर पे बैठ के वाईफाई के माध्यम से आमने सामने बैठ के जो कन्फेशन करते थे जी, जो बच्चे पता चले हम यहाँ बैठे हैं, बच्चे दिल्ली लखनऊ अमरीका में बैठे हैं, तो हम खाना खाते वक्त साथ बैठ जी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, सरलता से सारा प्रयोग हो रहा था जी। वो तो अब तो घर घर पहुंच जाएगा, जिसके घर में इंजीनियर लड़का ना हो, जो सॉफ्टवेयर जानकारी ना हो, वो इसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन जैसे ये भी थे कि जैसे मोदी जी ने इसको थोड़ा सा प्रमोट किया है क्योंकि वो जानते हैं इससे फायदा है इंडिया का, तो कुछ पॉलिटिशियंस ने उनका ये भी किया है कि क्रिटिसाइज की है कि मोदी जी ये जियो इंडिया का, मतलब रिलायंस जियो का ऐड कर रहे हैं, और ये जो अभी कल क्या कहते हैं स्ट्राइक हुई थी लेबर्स वाली, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लोग जगह जगह पे जला देते हैं, ये कहाँ तक लगता है आपको सही है? ये सब वोट के लिए करते हैं जी, इसलिए हम लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग फायदा और नुकसान वोट के हिसाब से करते हैं जी, सड़क पे कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी उस हिसाब से वो, हर जितना भी देश में विकास होता है या जो भी कमी आती है, अच्छाई बुराई जो भी होती है, वो सब वोट के हिसाब से। आप 10 कोई नेता, यही एक दुख की बात है अपने डेमोक्रेसी में जी, कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको विपक्षी है तो उसको गलत ही निगाह से देखता जी जी, ये तो उसको अच्छाई दिखती नहीं जी जी, एग्जैक्टली ये बहुत गलत है। आदमी की समीक्षा होनी चाहिए, अच्छाई की प्रशंसा होनी चाहिए, बुराई को दृष्टना चाहिए जी, कि जिससे उस पर उसको आदमी को आभास हो और जो मेहनत करे उसका उसको रिस्पांस मिले जी। इस चीज की कमी अपने डेमोक्रेसी में थोड़ी सी, इसको हाँ इसको इम्प्रूव करने की। अच्छा सर, जैसे क्या कहते हैं जो स्ट्राइक हुई थी कल, जो स्ट्राइक हुई थी लेबर्स की, तो उसमें लोगों ने तोड़फोड़ की, तो वो कहाँ तक आपको सही लगता है? और एज ए एडवोकेट आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए एक कॉमन मैन को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक चीज की अरबों रुपए का नुकसान हुआ है एक दिन में जी, और उसके ऊपर तोड़फोड़ भी हुआ। मैं तो कहता हूँ जो भी तोड़फोड़ करे जी, उसी से उसकी रिकवरी की जाए जी, रिकवरी तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें थोड़ी शांति ढंग से करनी चाहिए लोगों को? हर किसी को हक पाने का तो क्या कहते हैं, कोई भी इजिटेशन होता है तो सैकड़ों बस फूंक दी जाती है, सैकड़ों लोगों को चोट पहुंचाई जाती जी। हम तो कहते हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी इजिटेशन करे, उसके नेता से लेकर उसमें जितने लोग शामिल हो, उनको पनिश किया जाए,
जो जितना एजिटेशन होता है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए जी, इसके अलावा किसी एजिटेशन को मान्यता नहीं। नहीं, जैसे हमने देखा कि लोगों ने कल न्यूज में था कि लोगों ने रेलवे को रोक दिया, तो बाई चांस मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी में जा रहा है उसमें किसी की तबीयत खराब है कुछ, तो उसको तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है जी। ये डेमोक्रेसी नहीं है जो अपने यहाँ स्वतंत्रता, जो जिस बात की स्वतंत्रता कही जा रही है, ये कुछ ज्यादा हिंसक स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी जा सकती जी। स्वतंत्रता वहीं तक, अनुशासित स्वतंत्रता ही किसी देश का भविष्य निश्चित कर सकती है जी। अगर इसका दुरुपयोग किया गया जी, कि आप ट्रेन रोक दें, आप आदमी को ट्रेन से बाहर फेंक दें जी, ऐसा एजिटेशन किस मतलब का जी, जो अशांति पैदा करे। आप अपनी अपनी मांगों को रखिए शांतिपूर्ण ढंग से। हिंदुस्तान में इतना कानून बृहद है, इतने लोग अधिवक्ता का कार्य करते हैं, इस बिजनेस में जो व्यवसाय करते हैं, सब लोगों को सहयोग देते हैं कानून का, और उसके बाद भी लोग हिंसक रास्ता अख्तियार करें जी, तो ये बड़ी दुखद बात है और इसको दूर करने की जरूरत है हर स्थिति में, और हर आदमी को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छी शिक्षा और अनुशासन से ही कोई देश बनता है, कोई डेमोक्रेसी बनती है, कोई परिवार बनता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि परिवार से ही देश बनता है जी। तो कोई भी परिवार अगर अनुशासित है तो वो पूरा परिवार डेवलप करेगा, और अगर वो हिंसा के रास्ता अख्तियार करता है, गलत तरीके से अर्जन करने की कोशिश करता है, तो उसका विनाश निश्चित जी, मतलब उसको डिस्ट्रॉय होना कंफर्म है। ये हमारा डिस्कशन जो था रिलायंस जियो पे था, थोड़ा सा भटक गया, चलिए कोई बात नहीं। थैंक फॉर योर टाइम, थैंक यू व्यूअर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट दीजिए, शेयर करिए, ये एक मोटिवेशन है ताकि हमें हर एक कॉमन मैन को पहुँचा सकें कि एक अच्छा नागरिक किस तरीके से लॉ को फॉलो कर सकता है, और उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक माइन्यूट सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको आप क्या कहते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।